नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को दीपावली की, गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आजकल अभिनव अरोड़ा नाम का एक बालक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और सब सब तरह का कंटेंट उस पर बना रहे हैं। बट समझने की आवश्यकता है कि मामला क्या है और इस पर हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग उस बच्चे पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह से उसको रोस्ट कर रहे हैं। तो रोस्ट करना बड़ा आसान है, रोस्ट करना बड़ा आसान है। मैं तो कह रहा हूं कि वो लड़का ये कह रहा है कि कृष्ण जी मेरे भाई हैं, तो कृष्ण जी उसके भाई क्यों नहीं हो सकते? भाई कृष्ण जी जो मानता है, भगवान मानता है, तो कृष्ण जी भगवान है, तो वो तो किसी के कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि सबके भगवान अलग अलग होते हैं। कृष्ण जी को कोई बराबर का मानता है, कोई बड़ा मानता है, कोई छोटा भाई भी मान सकता है, बुराई क्या है इसमें? और अगर वो मान भी रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है अगर वो कृष्ण जी को छोटा भाई? आपका कोई, आप ठेकेदार हैं कृष्ण जी के, आपने ठेका ले रखा है कृष्ण जी का। कृष्ण जी अर्जुन के भी तो ड्राइवर थे ना, कृष्ण जी अर्जुन के ड्राइवर थे, राधा के लवर थे। तो कृष्ण जी के अपने अपने अलग अलग रूप हैं, सब लोग कृष्ण जी को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो अगर वो अपना भाई मानता है, अपने से छोटा मानता है कृष्ण जी को, तो क्या दिक्कत है? और सब कुछ, आप अगर भगवान को मानते हो तो इस दुनिया में जो कुछ होता है वो भगवान की मर्जी से होता है भाई। तो अगर वो लड़का ये कह रहा है कि कृष्ण जी मेरे छोटे भाई हैं, तो भगवान की मर्जी से बोल रहा है। या तो आप भगवान को मानते नहीं हो, या मानते हो, मानते हो या नहीं मानते हो। मुझे ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि लोग भगवान को मानते हैं या नहीं मानते। तो कुछ लोग, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो लोग भगवान को गाली दे रहे हैं वो भी भगवान की मर्जी से ही दे रहे हैं, और भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता भाई। इसराइल और ईरान में जो वॉर हो रहा है वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो ये अभिनव अरोड़ा जो लड़का है, 10 साल में बाबा बन गया, क्यों नहीं बन सकता? 13 साल में शंकराचार्य नहीं बने थे? तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस शंकराचार्य बन गए थे 13 साल की उम्र में। है? श्री राम जब 6 महीने के थे तो भी श्री राम थे भाई वो। तो उम्र से बाबा का क्या लेना देना है, उम्र से स्पिरिचुअल चीजों का क्या लेना देना है? वो बन सकता है, कर रहा है वो, आप करो। आप रोस्ट कर सकते हो तो आप रोस्ट कर पा रहे हो, बस। आप सही चीजों को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि शायद भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है। मैं तो मान के चलता हूँ भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है, इसीलिए आप सिर्फ रोस्ट करना जानते हो, और शायद भगवान आपसे रोस्ट करवा रहे। मैं जो कर सकता हूँ भगवान जी मुझसे वो करवा रहे हैं जो मैं इस समय कर रहा हूँ। उसको क्लैरिटी है, उसको आनंद आ रहा है बाबा बनने में, अपना बड़ोदा को, वो कर रहा है वो काम। आप भी कीजिए ना भाई वो काम जिसमें आपको आनंद आता है, आप भी वो काम कीजिए, आपको किसने रोका है? बट हमारे भारत देश में कुछ लोगों को दूसरे के ऊपर उंगली उठानी है। मैं तो कहता हूं कि इसमें ही भगवान जी करवा रहे हैं, क्योंकि तो जो कुछ करवाते हैं, करवाते तो वही है भैया, प्रभु। हम कुछ नहीं करते, हम कुछ कर रहे होते तो पता नहीं क्या कर देते, धरती पलट देते हम। इसराइल अगर सब कुछ करना चाहे तो भाई साहब ईरान को उड़ा देगा रातों रात। ईरान और रशिया भी चाहे तो रातों रात इसराइल को उड़ा सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो पा रहा। बहुत सी चीजें नहीं हो पाती है भाई, जो नहीं हो पाती है वो नहीं हो पाती है। तो अभिनव अरोड़ा अगर कुछ कर पा रहा है तो भाई साहब प्रभु का आशीर्वाद है उसके ऊपर। प्रभु उसके छोटे भाई बने हैं, बड़े भाई बने हैं, उसकी घरवाली बने हैं, उसके प्रेमी बने हैं, प्रेमिका बने हैं, आपको क्या दिक्कत? पर जो आपको दिक्कत है वो भी शायद मैं जानता हूँ कि प्रभु की वजह से ही है। प्रभु चाहते हैं कि आपको दिक्कत हो, आप दिक्कत में रहो, इसलिए आप दिक्कत में रहो। कुल मिलाकर बाबा बनना, स्पिरिचुअल बात करना आसान काम तो नहीं है, इतना तो मैं जानता हूँ। अगर कोई व्यक्ति ये कर रहा है, चाहे वो हमारे वो कौन से बाबा हैं, वो चाय पीते रहते हैं, उनका नाम मैं नाम भूल जाता हूँ, मुझे नाम भूलने की बड़ी तगड़ी बीमारी है। ठीक है, शास्त्री जी जो हैं वो भी ड्रामा कंपनी है बहुत बड़ी, बट वो ड्रामा करना भाई आसान नहीं है। ठीक है, आसान नहीं है ड्रामा करना, उनकी इंटेंशंस को हम नहीं भांप सकते, बट 99% तो आदमी सही कर रहा है ना काम। भारत देश को, देशभक्ति की बात करता है, सनातन की बात करता है। ठीक है, तो हर आदमी 100% तो शुद्ध नहीं होता। आसाराम बापू ने 99% काम सही किए थे, 1% कहीं से उनसे मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से वो जेल में है। मैं तो मानता हूँ कि वो गलत है जेल में, बाबा राम रहीम भी गलत है जेल में, मैं मानता हूँ। मेरे मानने को आप रोक सकते हो क्या? मेरी सोच आपको अच्छा लगता है मेरी सोच से जुड़े? नहीं लगता तो ना जुड़े। ठीक है, तो सब तरह के लोग हैं दुनिया में, कुछ लोग गाली देके जाएंगे मेरे वीडियो पर, कुछ लोग तारीफ करके जाएंगे, कुछ लोग जय श्री राम कमेंट करेंगे, कुछ बोलेंगे भारत माता की जय, कुछ लोग अलग ही बोलेंगे, कुछ लोग रवीश कुमार के भक्त हैं जो बिना मतलब की कहानी बनाता रहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि अभिनव अरोड़ा अगर कृष्ण जी से कहता है कि आप मेरे छोटे भाई हो,
अगर वो उनसे बात करता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, आप नहीं बात कर पाते भगवान से। कोशिश करो, कर पाओ। आंखें बंद करो, सरेंडर करो, खुश रहना सीखो, फिर आप भगवान से बात कर पाओगे, प्रकृति से बात कर पाओगे, यूनिवर्स से बात कर पाओगे। सरेंडर करना सीख लो। अभिनव अरोड़ा ने शायद सरेंडर कर दिया है, काफी छोटी उम्र में कर दिया है। वो मजे ले रहा है, वो आनंद ले रहा है। अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था कि जया किशोरी ने 2,10,000 का एक पर्स लिया। अब उस पर जनता परेशान है कि भैया ये कैसी साध्वी है, 2,10,000 का पर्स लेके घूमती है। अरे भाई तू ले लेना, तू कमा ले पैसे। तेरे से ना तो पैसे कमाए जा रहे हैं, ना कुछ किया जा रहा, तेरे से सिर्फ बुराई करी जा रही है। भाई कमाओ ना पैसे। वो साध्वी ने भी, जया किशोरी ने जवाब दिया, मैंने कब कहा कि तुम पैसे मत कमाओ, मैंने कब कहा कि तुम पूरी तरह से मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड त्याग दो। अरे कृष्ण जी भी दुनियादारी में थे भाई साहब, कृष्ण जी भी दुनियादारी में थे। कृष्ण जी ने ही मरवा दी 11 अक्षिणी सेना, 11 और 7 18 अक्षिणी सेना कृष्ण जी ने ही मरवाई। कृष्ण जी चाहते थे कि युद्ध हो, कृष्ण जी ने सब लीला करी, इसीलिए बोलते हैं उसको कृष्ण लीला। समझ रहे हो आप? तो सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, अपने को बढ़िया फीलिंग दो, सब कुछ बढ़िया होगा। इस तरह खुश रहो। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।